जयंत जी। जी जी जयंत जी, जमशेदपुर से खबर आ रही है, जुगसलाई थाना क्षेत्र में 9 लाख की लूट हुई थी जी, जी व्यापारी के साथ। जी जी, उस मामले में कुछ लोग पकड़े गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है प्रशासन अधिकारी के द्वारा। जी जी, क्या क्या मामला सामने आया? जी देखिए विनोद जी, आपको बता दें जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र का ये घटना हुआ था। आपका 5 दिसंबर को व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था अपराधियों ने, 9 लाख से ऊपर पैसा को लूटा था। उसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। इस मामले पर 3 लोगों को पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ कुछ पैसे भी लोगों के पास से बरामद हुई है। साथ ही साथ इस मामले पर सिटी एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तीनों आरोपियों के बारे में जानकारी दिया है और आपको बता दें एक स्कूटी भी लोगों ने नया खरीद लिया था, उसको भी बरामद कर लिया है उसी पैसे से। अभी और इस मामले पर सिटी एसपी साहब का कहना है, टीम हमारी लगी हुई है और पैसा रिकवरी करना है और इस मामले में कौन कौन लोग और हैं लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी धन्यवाद जयंत जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के। दिसंबर को शाम को जुगसलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें कामसा स्टील एक फर्म है उसके कार्यालय में 2 हथियारबंद लोग घुसे। उन्होंने वहां पर उपस्थित व्यक्ति जिनका नाम बजे उनके साथ मारपीट की, उनको पिस्टल और चाकू का भय दिखाया और उनके यहाँ से 9.83 लाख रुपीस की लूट की। लूट करने के बाद जब खबर हमको पता चली तो सीनियर एसपी सहित सभी लोग गए और सीनियर एसपी सर ने वहाँ पे पूरा देखा और पूरी टीम ने मौका मुआयना किया। उसके बाद विभिन्न टीम्स ने अलग अलग एंगल्स पे काम किया और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें गिरोह शामिल है उसको आइडेंटिफाई किया और उन गिरोहों के सदस्यों के लिए छापामारी करना शुरू किया। छापामारी के क्रम में राकेश बहादुर नाम का एक क्रिमिनल है जो पहले भी 3 बार जेल जा चुका है वो पकड़ा गया। उसके द्वारा इसकी कार्य योजना के बारे में बताया गया। उसके पास से एक स्कूटी जो उसने क्राइम करने के दूसरे दिन अपने जीजा के नाम पे फाइनेंस की वो खरीद, जीजा के नाम पे फाइनेंस इसलिए की क्योंकि स्कूटी को आसानी से मास्क किया जा सके कि ये लूट के पैसे की नहीं, और कुछ कैश वो हम लोगों ने उससे रिकवर किया। उसने पूरी घटना का उद्भेदन किया। उद्भेदन में जो अभी तक बातें प्रकाश में आई हैं जो शेयर की जा सकती हैं वो ये है कि एक अभिषेक खुरदरा नाम का एम्प्लॉय था जो कामसा स्टील में काम करता था, 2 महीने उसने काम किया, काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया। उसको पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी कुछ इस तरह की आदतें हैं जिसमें उसने पैसा अपना गंवाया, वो स्क्रैप का ही कारोबार करना चाहता था, इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। अपने लेनदारों से बचने के लिए वो साक्षी के अंदर रहता था, यहीं पर उसकी क्रिमिनल से मुलाकात हुई और फिर यहीं से उसने रैकी करवाई, वो जगह दिखाई जहाँ पे कैश बरामद हो सकता है और उसके बाद इस गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 लोगों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हुई है जिसमें मुख्य सूचनादाता अभिषेक खुरदरा है जो उस परिवार से रिलेटेड भी है और वहाँ पे उसने काम भी किया है, दूसरा राकेश बहादुर है और इनके जीजा हैं प्रीतपाल सिंह। और अभी तक जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी एक स्कूटी की हुई है